हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सस्ता, यूनिक और इजी बंदरवाल का या तोरण का आइडिया लेकर के आई हूँ। ये मैंने गणेश चतुर्थी में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए लगाया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस आइडिया को आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड पर 3x6 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल शेप का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक रेक्टेंगल 3x6 का एक रेक्टेंगल देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है और इसके किनारों को हल्का हल्का सा राउंड कर दिया है। देखिए इसके किनारों को हमने राउंड शेप कर दिया है। अब इसे हम काट लेंगे। देखिए हमारा एक ये तैयार हो गया है। अब इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें एक चीज़ चाहिए वो है ये कैरी बैग। इस तरह के जो कैरी बैग आते हैं कपड़े के, जो हम सामान मान या कोई कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं तो उसमें उसके साथ जो आते हैं, इसी को मैंने यूज़ किया है, जिसे हम फेंक देते हैं। बस इसी को यूज़ करके आज हम बनाएंगे एक सुंदर सा बंदरवाल। तो देखिए इसके जो किनारे हैं जो मोटे मोटे होते हैं, इसको हम या ये जो हैंडल के पास के जो इसका जो मोटा सा हिस्सा है इसको हम काट लेंगे और इसके किनारे पर भी जो जॉइंट है इसको भी काट करके हटा लेंगे। उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। देखिए इसको ऐसे पतले पतले से देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो ये हमने बनाया था कार्डबोर्ड का, इसको रख कर के देख लेंगे कि ये इसका मतलब ये इसके बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी के साइज़ का हमको इस कपड़े को काटना है। ये काटने में बहुत मोटा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको दो हिस्से में बांट लिया है। अब देखिए अब इसको फोल्ड करके, अब इसको एक बार और फोल्ड करके और इसके ऊपर जो ये कार्डबोर्ड जो था इसे रख करके और हम इसके शेप का इस कपड़े को काट लेंगे। तो आप ये मैंने ये क्रीम कलर लिया है, आप जो भी चाहें उस कलर का ये बना सकते हैं। मैंने एक ही कलर में बनाया है, आप चाहें तो अलग अलग कलर का भी माला जैसे गूंथ करके बंदरवाल की तरह यूज़ कीजिए, या फिर गेट के साइड में लटकन के लिए यूज़ कीजिए, या अब दिवाली आ रही है उसमें, या कोई भी फेस्टिवल में आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इस गार्लैंड की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से मैंने पतला पतला ये काट लिया, इसमें देखिए कितनी सारी स्ट्रेप्स कट गई हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है और हमें कुछ भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे बेस तैयार करने के लिए इसका मैंने एक छोटा सा वही कैरी बैग का टुकड़ा डाल दिया है, ताकि उसमें से जो हम फ्लावर बनाए तो उसमें से निकले नहीं। उसके बाद देखिए ये एक पेटल लिया है हमने जो हमने काटा है, इसको देखिए किस तरीके से फोल्ड करना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक पेटल लिया है, इसको पहले बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक हिस्से को लेकर के ये इस साइड करेंगे और एक को उस साइड कर देंगे। बस कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा आसान है। उसको बीच का ये बीच का जैसे ये हमको हिस्सा मिल गया है, ये बीच और बीच में ही हमको ये सुई से इसके ऊपर इसमें सुई लगा देनी है। ये देखिए बहुत इजी है, कोई भी आराम से बना सकता है। देखिए उसी तरीके से मैंने एक पेटल और बनाया और इसे हमें बस जो पेटल हमने पहले लगाया है उसके क्रॉस क्रॉस करके प्लस का निशान बनाते हुए ये हमें लगाना है। बस इस तरीके से आप क्रॉस क्रॉस करते हुए सारे पेटल्स को, 4-5 पेटल्स हम लगा लेंगे। इस तरह से मैंने 5-6 पेटल लगा लिया है। मैं देखिए आपको एक और बना करके दिखा रही हूँ कैसे मैंने पेटल बनाया है। इसे बीच में से फोल्ड कर लिया और उसको दोनों साइड को दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा बन गया। उसके बाद इसके मिडल में हमको ये सुई डालनी है और फिर और पेटल्स को लेकर के और धीरे धीरे क्रॉस करते हुए लगाते जाना सुई। तरीके से क्रॉस क्रॉस करते हुए लगाते जाइए।
तरीके से आप सुई में ही इसको अटैच करके रखेंगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। एक एक पेटल को अगर लगाएंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्रॉस करने में। जैसे जैसे सुई में 5-6 पेटल्स को इस तरह से लगा करके, तब देखिए अब इसको हम तरीके से अंदर कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें बनाते जाना है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह मैंने बहुत सारा ये बना लिया है। अब मेरे पास ये बेल रखा हुआ था, जो डेकोरेशन के आइटम लाने के लिए जाते हैं आप उस शॉप में, आपको आसानी से मिल जाएगा ये। तो ये मैंने एक ये बेल इसके अंदर लगा दिया है, मेरे पास रखा हुआ था। ये देखिए ये हमारा हो गया तैयार। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल रेडीमेड जैसा। मैं कह सकता है कि आपने ये कैरी बैग से बनाया है जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप मल्टी कलर का भी बना सकते हैं और इसे डोर के दोनों साइड में लटकाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे बंदरवाल बनाया है तो आप किसी और भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।